हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पेशल स्टडी विद राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, कई दिनों के बाद दिल्ली में नई सरकारी शिक्षक भर्ती निकल के आ रही है। दिल्ली में आई है नई सरकारी शिक्षक रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है और लगभग दिल्ली की सभी विषयों पर निकली है बम्पर शिक्षक भर्ती और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जो इस वीडियो के माध्यम से फुल ऑफिशियल अपडेट आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल से एंड टीचर्स रिक्रूटमेंट की सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, खासकर डी प्लस बी की सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिल्ली की नई सरकारी रिक्रूटमेंट जो निकल कर आ रही है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के यहाँ पे देख लें दोस्तों। जहाँ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, इंग्लिश पर, पंजाबी पर, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड साइंस से वैकेंसी निकली हैं। और ये रही दोस्तों टोटल वैकेंसी, जिसमें विषयवार पोस्टें निकल कर आ रहा है, जैसे इंग्लिश में 7 पोस्टें हैं, पंजाबी में 5 पोस्टें, हिंदी पर 3 पोस्टें, तो सभी पर वैकेंसी निकली हैं। और देख लें कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो निकल के आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकल कर आ रही हैं यू आर कैटेगरी में, बाकी सभी कैटेगरी पर नील है। यहाँ पे देख लें और PWBD में 3 पोस्ट निकल के आ रहे हैं, जिसमें VI पर 1 पोस्ट है, LD पर 1 पोस्ट और VI पर फिर से 1 पोस्ट निकल के आ रही है। और यह वैकेंसी यहाँ पे देख लें दोस्तों, सिटी गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से वैकेंसी निकल कर आई हुई है और इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। यहाँ पे देख लें, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन इज 20/3/2022, यानी 20 मार्च 2022 तक फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। और ये इसकी है ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की है, यहीं पर रिक्रूटमेंट दिखाई देगा आपको। बाकी क्या आगे जानकारी देख लें दोस्तों, जो आपकी जो वैकेंसी निकली है यहाँ पे देख लें, असिस्टेंट प्रोफेसर की है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, साइंस लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन से जो वैकेंसी निकली है उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे देख लें। अब मास्टर डिग्री ऑफ 55% मार्क्स साथ एन इक्विवेलेंट पॉइंट स्केल वेरवर ग्रेडिंग सिस्टम एंड फॉलोड कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी से किए हों तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा आप यदि PhD डिग्री किए हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, बिन रैंकिंग अमंग द 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एनी टाइम, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो और भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी निकली है यहाँ पे देख लें, तो जो ग्रेजुएशन भी किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या MPhil किए तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PhD हो, नेट हो, JRF हो या फिर नेट की क्वालिफाई हो। इनके अलावा भी देख लें जो टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टर एंड द एक्सपीरियंस मार्क्स ऑफ द एनी वन ईयर किए हों तो उसके लिए भी पोस्ट निकली हुई हैं। तो दिल्ली में इतनी सारी वैकेंसी निकल कर आ रही हैं जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पर ही है, कॉलेज से रिलेटिव। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, MPhil किए हैं, तो फॉर्म को अप्लाई कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।